मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हां फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल में एक नया वैलिडेशन जो है वो इनेबल कर दिया गया है, जिसके बाद अगर आपने इस वैलिडेशन को कंप्लीट नहीं किया तो आपका जो रिफंड है, चाहे वो किसी भी सेक्शन का हो, किसी भी तरीके का हो, वो आपको नहीं दिया जाएगा। आप देख पा रहे हैं एक ईमेल आ रहा है और इसमें लिखा गया है वैलिडेशन स्टेटस ऑफ बैंक अकाउंट फॉर सो एंड सो जीएसटी नंबर, और इसके अंदर जो बताई गई है चीजें, डियर टैक्स पेयर्स, द बैंक अकाउंट नंबर एडेड फॉर दिस जीएसटी हैज बीन वैलिडेटेड विथ वैलिडेशन फेलियर स्टेटस, यू आर नॉट एलिजिबल टू फाइल द रिफंड यूजिंग दिस अकाउंट, प्लीज वेरीफाई दैट द बैंक अकाउंट एडेड इज लिंक्ड टू द पैन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एंड द बैंक अकाउंट इज स्टिल एक्टिव। मतलब कहने का यह है कि अगर आपने जीएसटी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन ले रखा है और आपने जो बैंक अकाउंट डाला हुआ है, क्या बैंक अकाउंट मैंडेटरी है इन सारी चीजों को लेकर के, और इसके लिए रूल्स क्या कहते हैं, जो ये वैलिडेशन स्टार्ट किया गया है इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और ये सारी चीजें जब अमेंडमेंट आई थी तो हमने अपनी टैक्स मैगजीन में ऑलरेडी इंक्लूड किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये ईमेल आ रहा है उसका सिंपल सा मतलब ये है कि बैंक वैलिडेशन जो है वो फेल हो गया है। क्यों ऐसा? क्योंकि जो बैंक अकाउंट के अंदर आपने पैन दिया हुआ है और जिस पैन पे आपने जीएसटी नंबर ले रखा है, दोनों में मिसमैच है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट को एक्टिव कराना होगा, उसमें पैन डेटा अपडेट कराना होगा और उसके बाद ये वैलिडेशन जो है फिर से करी जाएगी। आप पोर्टल पे कैसे चेक करेंगे कि ये वैलिडेशन कहाँ पर हो रही है और किस तरीके से चेक करना है, तो आपको इसके लिए सबसे पहले आ जाना है जीएसटी पोर्टल पे। जीएसटी पोर्टल पे आने के बाद आपको जाना है व्यू प्रोफाइल। व्यू प्रोफाइल में आपको सबसे नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन इनेबल किया गया है बैंक अकाउंट स्टेटस का। इस बैंक अकाउंट स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा अकाउंट आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन या जीएसटी पोर्टल पे डाल रखा है अलोंग विद अकाउंट नंबर, और यहाँ पर स्टेटस दिखा दिया जाएगा कि आपका जो है वेरिफिकेशन का क्या स्टेटस है। अगर वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाता तो यहाँ पर लिखा रहता वैलिडेशन सक्सेसफुल, इस केस में वैलिडेशन फेलियर है इसीलिए ये रेड मार्क जो है वो दे दिया गया। अब इसमें लिख दिया गया है कि द बैंक अकाउंट वैलिडेशन हैज बीन फेल्ड, रिफंड कैन नॉट बी फाइल्ड यूजिंग दिस बैंक अकाउंट। अब अगर इस पर्टिकुलर जीएसटी में रिफंड अप्लाई करना होगा तो रिफंड अप्लाई करते समय आपको वहां बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना होता है, उस बैंक अकाउंट सिलेक्शन में इस पर्टिकुलर अकाउंट की डिटेल्स जो है आप नहीं डाल पाएंगे। काइंडली रिमूव द अकाउंट और रेक्टिफाई विद करेक्ट इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर आपको इसके लिए, अगर आपका बैंक अकाउंट वगैरह सब कुछ सही है, तो आपको जाना है अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और अमेंडमेंट करते समय आपको सारी चीजों को ध्यान रखना है कि जो बैंक अकाउंट आप ऐड करेंगे उस बैंक अकाउंट की सारी डिटेल्स एज पर जीएसटी डिटेल्स जो है वो मैच हो जाए, क्योंकि इसके लिए जो हमारा रूल है, रूल 96E, वो कहता है बैंक अकाउंट फॉर क्रेडिट ऑफ रिफंड जो है वो किस तरीके से होना चाहिए, जिसमें बताया गया है फॉर द पर्पसेस ऑफ रूल 91 सब रूल 3, यानी कि प्रोविजनल रिफंड के लिए, रूल 92 सब रूल 4 ऑर्डर फॉर सैंक्शनिंग रिफंड के लिए, एंड रूल 94 बैंक अकाउंट शैल मीन सच बैंक अकाउंट ऑफ द एप्लीकेंट विच इज इन द नेम ऑफ एप्लीकेंट एंड ऑब्टेन्ड ऑन हिज परमानेंट अकाउंट नंबर। कहने का मतलब है कि सबसे पहले आपको ये चेक करना है, लेट सपोज आपका कोई पार्टनरशिप फर्म है, उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर दो पार्टनर हैं बी और सी। अब जो बैंक अकाउंट आपने ओपन करवा रखा है वो इन द नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए जो बैंक अकाउंट आपने जीएसटी पोर्टल में दिया है वो बैंक अकाउंट किसी एक पार्टनर के नाम पे है। क्योंकि बहुत सारे केसेस में स्टार्टिंग फेज जब जीएसटी लगा था तो यही किया गया था कि फर्म का अकाउंट नहीं है तो किसी भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या प्रोप्राइटर का बैंक अकाउंट जो है उसे लिंक कर दिया गया, ऐसे सारे बैंक अकाउंट्स के अंदर वैलिडेशन फेलियर जो है वो आएगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है
कि फर्म के नाम पे जो बैंक अकाउंट है वही अपडेट होना चाहिए जीएसटी पोर्टल पे, जिसके अंदर फर्म का पैन नंबर जो है वो लिंक किया गया हो। क्योंकि लीगल नेम जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनरशिप फर्म का होता है, ना कि किसी पार्टनर का। सिमिलर इज द केस विद कंपनीज। अगर कंपनी है तो कंपनी के केस में भी आपको ये ध्यान रखना है कि बैंक अकाउंट का जो है डिटेल्स वो कंपनी के नाम पे होना चाहिए, ना कि किसी डायरेक्टर के नाम पे। अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि लीगल नेम जो है वो होता है इंडिविजुअल का। तो उस केस में अगर आपने कोई भी बैंक अकाउंट दे रखा है जिसमें आपका ओनर का नाम है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि पैन में आपका खुद का नाम होगा और बैंक अकाउंट में भी आपका नाम होगा, तो वो सारी चीजें लिंक हो जाएंगी। फर्म और कंपनी के लिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ अ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न द परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ द प्रोप्राइटर शैल ऑल्सो बी लिंक्ड विद द आधार नंबर ऑफ द प्रोप्राइटर। अब यहां पर बैंक अकाउंट के साथ साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये दी गई है कि अगर आपका प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है तो पैन नंबर के साथ साथ आपका आधार नंबर का जुड़ा होना भी मैंडेटरी है, अदरवाइज इस वैलिडेशन की वजह से भी आपका रिफंड जो है वो रुक जाएगा। तो पैन और आधार जो है वो लिंक करना अब सबके लिए मैंडेटरी हो गया है, जिसके अंदर इनकम टैक्स में ऑलरेडी अमेंडमेंट कर दिए गए हैं। 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक आप पैन और आधार की लिंकिंग कर सकेंगे विथ अ लेट फी ऑफ 500 रुपीज अप टू 30 जून, और 30 जून के बाद वो लेट फीस हो जाएगी 1000 रुपए, और 31 मार्च 2023 के बाद जो ये आपका पैन और आधार लिंकिंग वाला सिस्टम है वो चालू तो रहेगा, लेकिन अगर आपने लिंक नहीं किया होगा तो आपका पैन जो है उसे भी डिसेबल किया जा सकता है। तो यहाँ पर रूल 96 जो है बैंक अकाउंट फॉर क्रेडिट ऑफ रिफंड की बात करता है, जिसकी वजह से ये मेल्स आ रही हैं, और इसी तरीके से आपको यहाँ पर अमेंडमेंट करके अपना बैंक अकाउंट जो है वो ऐड या रेक्टिफाई करना है। अगर आपने न्यू रजिस्ट्रेशन लिया है तो न्यू रजिस्ट्रेशन के केस में रूल 10A बात करता है फर्निशिंग ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स। जब आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाए REG 06 में, तब आपको क्या करना है, द रजिस्टर्ड पर्सन एक्सेप्ट दोज हु हैव बीन ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 12 और एज द केस में बी रूल 16, इन दो लोगों को छोड़ के अगर आपने नॉर्मल सिचुएशन में रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो आपको क्या करना है, एज सून एज बट नॉट लेटर देन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांटिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और द डेट ऑन विच द रिटर्न, यानी कि 3B जो है वो पहली रिटर्न आपकी ड्यू हो गई या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, दोनों में से जो पहली डेट आती है उस डेट से लेके 45 डेज के अंदर आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स फर्निश करना है, और वो बैंक अकाउंट डिटेल्स होना चाहिए नेम ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन एंड ऑब्टेन्ड ऑन द परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, जो मैं आपको कह रहा था पार्टनरशिप फर्म और कंपनी के केस, और एनी अदर इंफॉर्मेशन एज मे बी रिक्वायर्ड इन द कॉमन पोर्टल इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद एनी अदर प्रोविजन। तो ये सारी चीजें अब पोर्टल पे एज अ न्यू वैलिडेशन जो है वो इनेबल कर दी गई हैं, जिसका आपको ध्यान रखना है और अकॉर्डिंगली अपने जीएसटी पोर्टल पे जाकर के चेक करना है, क्योंकि सब लोगों को ये SMS जो है अब भेजा जा रहा है, आपका बैंक वैलिडेशन जो है वो सक्सेसफुल हुआ है या फिर एरर उसमें पाया गया है। जीएसटी से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज होती है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं, जिसके अंदर जीएसटी से रिलेटेड क्वेरीज आप डायरेक्टली कॉल पे, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। फॉर मेंबरशिप डिटेल्स नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप उसकी फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि जीएसटी पोर्टल पे जो ये नया वैलिडेशन स्टार्ट किया गया है, इस वैलिडेशन का क्या मीनिंग है, और इस वैलिडेशन के अंदर अगर एरर आ रही है तो उस एरर को ठीक करने का क्या उपाय आपको करना होगा, अदरवाइज आपकी परेशानी बढ़ सकती है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।